हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपसे आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग के वीडियो शेयर किया है जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको काफ़ी मदद किया होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी का की नोट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे वीडियो और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी छोटे क्लास के लिए भी इस तरह का वीडियो शेयर कर सकूँ जिससे आपके छोटे भाई बहन को फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं, पॉइंट, लाइन, शेप एंड फॉर्म, स्पेस, कलर और टेक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब आर्ट बनाना शुरू करते हैं तो पॉइंट बनता है, पॉइंट जब चलता है तो लाइन बनता है, डिफरेंट टाइप के लाइन बनते हैं, लाइन से कोई शेप बनता है, वो 2D हो सकता है या 3D हो सकता है। 3D बना तो फॉर्म हो गया, 2D है तो शेप है। उसके बाद हम पूरे पेज में तो शेप बना नहीं सकते या फॉर्म बना नहीं सकते, तो जो स्पेस खाली हो गया वो पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस हो गया, और जिस पे ड्राइंग है वो पॉजिटिव स्पेस हो गया। उसके बाद आता है कलर, जो लाइट के रिफ्लेक्शन से ही दिखता है। ठीक है, ओरिजिनल कलर प्राइमरी कलर है, और जो दो ओरिजिनल कलर के मिलने से बनता है वो सेकेंडरी कलर है। ठीक है, अगर कलर के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन में ज़्यादा, तभी आप कलर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, नहीं तो सभी एलिमेंट्स को बराबर लिखना है। बाद में लास्ट में आता है टेक्सचर, जो सरफेस क्वालिटी को दर्शाता है। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इसमें 6 लिम्स ऑफ आर्ट या षडंग के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। षडंग वात्स्यायन मुनि के द्वारा कामसूत्र शास्त्र में दिया गया कला का सूत्र है, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें चौथे नंबर पे कला का सूत्र है। रूप भेदा परमानानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, यह सूत्र है। पहला है रूप, आकार में अंतर होना चाहिए, सब एक जैसा नहीं होना चाहिए। परमान मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्टेंस लिखनी चाहिए। तीसरा है भाव भंगिमा होनी चाहिए। चौथा सुंदरता होनी चाहिए। पांचवा है समरूपता, जो जैसा दिखता है वैसा सिमिलरिटी होनी चाहिए, जैसे गाय है तो गाय ही दिखनी चाहिए। लास्ट है कलर कॉम्बिनेशन, रंग संयोजन। ठीक है, तो ये तो जब षडंग के बारे में पूछा जाए तभी लिखेंगे, अगर केवल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पूछा जाए तो नया वाला प्रिंसिपल लिखना है, जैसे बैलेंस, फिगर कलर, सभी में बैलेंस दिखना चाहिए। एम्फेसिस, इसमें अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पेंटिंग में रिदम होना चाहिए, मूवमेंट दिखना चाहिए, प्रपोर्शन तो होना ही चाहिए ताकि पर्सपेक्टिव दिखे, अलग दिखने के लिए वेराइटी या अब्स्ट्रेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, या फिर स्टाइलाइजेशन, कुछ अपना स्टाइल बनाइए, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर, इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन इंडिया और मिनिएचर पेंटिंग एंड देयर स्कूल्स। सबसे पहले तो आर्ट स्टार्ट कब हुआ, ये तो आपका स्टोन एज से ही माना जाता है, रॉक पेंटिंग से। लेकिन कल्चरल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट का सबूत हमें इंडस वैली से मिलता है, जब टेराकोटा और ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनने लगी। सील, क्वाइंस और अन्य आदमी के यूज वाले वस्तु में आर्ट दिखाई दिया। मिनिएचर या मनुस्क्रिप्ट देखा जाए तो सबसे पहले पाल स्कूल से 8वीं से 12वीं सदी के बीच में बना। बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट प्रज्ञा परमिता पाम लीप पर 999 AD में बना। 10वीं से 16वीं सदी तक जैन स्कूल चला, जिसमें मांडू कल्पसूत्र 1439 में बना, जिसमें संतों के चित्र बने। 14वीं सदी में ताड़पत्र पेपर से रिप्लेस हो गया। जैन कल्पसूत्र की पेंटिंग पत्ते और पेपर दोनों बने, और ये सबसे पहले मेवाड़ उदयपुर में 15वीं सदी में बना स्टार्ट हुआ, जिसमें पालम भागवत 1555 AD में बना, 1555 AD में। पाल डायनेस्टी बंगाल से बिलोंग करता था, और जैन मनुस्क्रिप्ट गुजरात में बने। वैसे ही फोक आर्ट कहाँ कहाँ डेवलप हुए, तो आपका वर्ली आर्ट महाराष्ट्र का है, मंडाना मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, मधुबनी बिहार, और कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो अब चलते हैं मेन राजस्थान स्कूल पे, जो मिनिएचर पेंटिंग का है, राजस्थानी या राजपूत स्कूल, 16वीं से 19वीं सदी तक चला।
17वीं सदी पाली रागमाला जोधपुर के लिए जाना जाता है। इसके सब स्कूल हैं, मेवाड़ तो मेन है, इसके बाद बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी, ये सब है। इनके फेमस पेंटिंग हैं राजा अनिरुद्ध सिंघारा, मारू रागिनी, कृष्णा सिंह, राधा बनी ठनी, चौगान प्लेयर और भारत मीट रामा एट चित्रकूट। साहिबदीन और मनोहर मेवाड़ स्कूल के हैं। अली राजा, रुकुद्दीन, नूरुद्दीन, मुराद, ये सब बीकानेर स्कूल के हैं। भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद, ये किशनगढ़ के हैं। जयपुर के संरक्षक राजा सवाई जय सिंह थे और मोहम्मद शाह और साहिब राम फेमस पेंटर थे। स्किन कलर राजस्थान का ब्राउन है, सांवला रंग है। राजस्थान में लोकल और धार्मिक विषयों पर चित्र बने और साइड फेस ज्यादातर एक चश्म चित्र बने। राजस्थानी वेशभूषा में जैसे लहंगा चोली और चुनरी तथा आदमी का कुर्ता पैजामा और पगड़ी में दिखाया गया। राजस्थानी स्कूल का सबसे फेमस चित्र राधा बनी ठनी है, जिसे इंडियन मोनालिसा भी कहते हैं, और इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टर स्टैंप इशू किया है। और भारत मीट रामा में सबसे ज्यादा ह्यूमन फिगर है, 49 इमेजेस है। ओके, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पेंटिंग के साथ राजस्थानी मिनिएचर को डिस्क्राइब करने को आता है, तभी आपको एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो इतना ही काफी है। और सभी मिनिएचर पेंटिंग में केवल आर्टिस्ट का नाम, स्कूल नाम, स्कूल का नेम और समय याद रखना है, बाकी सब सेम है। जैसे मीडियम सबका वाटर कलर, टेम्परा, स्टाइल, ऑन पेपर एंड कलेक्शन इन नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, सब में एक ही आएगा। ओके, इसलिए मैं आगे का पेंटिंग मैं नहीं समझाऊंगा, उसको मैं 4-5 पॉइंट में पूरा मेन पॉइंट लिख दिया हूँ, उसे याद कर लीजिएगा और मोबाइल से या प्रिंट लेकर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड है 17 से 19वीं सदी। सब स्कूल बसोहली मेन है, उसके बाद गुलेर, कांगड़ा, चंबा, गढ़वाल और मंडी है। फेमस चित्र जो आपको पढ़ना है वो है कृष्णा विथ गोपी और नंद यशोदा और कृष्णा विथ किशन मेन गोइंग टू वृंदावन। पहाड़ी स्कूल के विषय केशव दास की कविता रसिक प्रिया पर आधारित है। गढ़वाल सब स्कूल में सिंबॉलिक डिजाइन जिसे हिंदूर या नालागढ़ आर्ट देखने को मिलता है, तथा मंडी सब स्कूल में देवी देवता को तांत्रिक रूप में जो मोस्टली ब्लैक, डार्क ब्लैक, ब्लू और रेड में बना हुआ मिलता है। कांगड़ा सब स्कूल वाले वैष्णव भेद ट्रेडिशनल को मानते थे। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, ये कांगड़ा के पेंटर थे। फेमस चित्रकार मनकू, नयनसु खादी थे। बाकी पेंटिंग के बारे में आप खुद पढ़ लेंगे, जैसा मैं पहले बताया हूँ। 3-4 पॉइंट में डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब है, ठीक है, डिस्कस उस पर कर लीजिए। ओके, अब मुगल स्कूल, ये 1560 से 1850 एडी तक चला। अकबर को फादर ऑफ मुगल आर्ट कहते हैं। इन्होंने तस्वीर खाना बनवाया। मीर सैयद और अब्दुल समद को ईरान से मास्टर आर्टिस्ट के रूप में लाए और ट्रेनिंग दिलवाए। इन्होंने रामायण, महाभारत, हमजनामा, शाहनामा, तूतीनामा, बाबरनामा जैसे चित्र बनवाए। मिनिएचर में पोर्ट्रेट बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन लेडीज पोर्ट्रेट पर प्रतिबंध था। नूर जहां के पोर्ट्रेट से जहांगीर ने वुमेन्स पोर्ट्रेट को बढ़ावा दिया, स्टार्ट किया। जहांगीर के समय के चित्र यूरोपियन एलिमेंट्स के इफेक्ट नजर आते हैं। शाहजहां पेंटिंग के बजाय आर्किटेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया, आर्किटेक्ट पर। इन्होंने लव स्टोरी जैसे लैला मजनू, बाज बहादुर, राना दिल, दारा सिको जैसे पेंटिंग बनवाए। जहांगीर के पीरियड को मुगल आर्ट का गोल्डन या पीक पीरियड माना जाता है। मुगल आर्ट में स्किन कलर फेयर थे तथा इनके सब्जेक्ट राजकीय समारोह, शिकार, जानवर, पशु पक्षी और पोर्ट्रेट थे। बाकी पेंटिंग के बारे में आप स्वयं पढ़िएगा। प्रोविंशियल जो मुगल स्टाइल था वो अवध और दातिया के पेंटिंग में दिखता है। डक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, ये 16वीं से 19वीं सदी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और हैदराबाद में चला। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर में आदिल शाही रूल चलाया 1489 से 90 तक। कुली इंताब शाह
के पीरियड में होली कुरान और लेजेंड्स अनवर सुहेली और यूसुफ जुलेखा के पेंटिंग बनाए गए। डेक्कन स्कूल के मुख्य कलर जो थे वो थे ब्लू, रेड और पिंक। इसके तीन चित्र रागिनी प्रथम शिखा, चांद बीबी प्लेइंग पोलो और हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो हैं जो आपको पढ़ना है। चित्र में किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं है, सभी चित्र के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओके, यहीं तक मिनिएचर पेंटिंग है, आगे मॉडर्न आर्ट। ओके, यूनिट टू में हम सबसे पहले बंगाल स्कूल डिस्कस करते हैं। 20वीं सेंचुरी में बंगाल स्कूल प्रभाव में आया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ऑयल कलर इंट्रोड्यूस किया जिसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। बंगाल स्कूल के लीडर में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जगन्नाथ रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय आदि रहे। प्रोफेसर ईवी हैवेल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट ऑफ कलकत्ता, जिन्होंने इंडियन आर्ट को प्रमोट किया। अवनींद्रनाथ की भारत माता पेंटिंग भारत में मॉडर्न आर्ट का फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। बंगाल स्कूल के गाइडलाइंस में मद्रास, दिल्ली, जयपुर, मैसूर, लाहौर आदि जगहों पे आर्ट स्कूल खुले। बंगाल स्कूल के पेंटिंग में अजंता, मुगल, राजस्थानी आदि भारतीय चित्रों के असर दिखता है। इसका माध्यम वाटर कलर, इंक और टेम्परा है। इसमें जैपनीज इंस्पायर्ड टेक्निक वास पेंटिंग का भी प्रयोग हुआ है। आगे पेंटिंग के बारे में खुद देख लेंगे। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इसके प्रवर्तक मेजर एक्सपोनेंट अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये बंगाल स्कूल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन 1970 के फाउंडर भी थे। इन्होंने भारत माता पेंटिंग बनाई जो पेट्रियोटिक आर्ट के रूप में काफी चर्चित हुआ, जो रोटी कपड़ा और मकान पर आधारित था, थीम पर आधारित था। ठीक है, बंगाल विभाजन का भी पब्लिक अप्रोल था इसमें। भारत माता के रूप में एक बंगाली लेडी को दिखाया गया है जो सैफ्रॉन साड़ी में सर से पैर तक लिपटी है। उसके चार हाथ हैं, एक में पीस ऑफ क्लॉथ है, अ बुक, एक किताब है, ए सेफ ऑफ ग्रेन है एंड रोजरी है। ये चित्र बंकिम चंद चटर्जी के नेशनल पोएम वंदे मातरम के लिए बनाए थे। अमृता शेरगिल भी भारत माता के रूप में एक गरीब औरत को अपने बच्चे के साथ दिखाया है, एक लड़का गोद में है और एक साइड में लड़की है। पूर्णा घोष भारत माता के चित्र में द्विजेंद्र लाल राय के गाना भारत जननी के लिए बनाया, जो नीले समुद्र से निकलती है और हिमालय उनका मुकुट है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग कांड पर कार्टून बनाया जो निर्मम हत्याकांड था और उसका विरोध जाहिर किया, ब्रिटिशर्स का विरोध जाहिर किया। इस प्रकार कलाकारों ने आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, अब है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला राष्ट्रीय झंडा 7 अगस्त 1906 में परसी बगान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया। इसके डिजाइनर सचिन नाथ बोस और सुकुमार थे। इसमें तीन बराबर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थे, ग्रीन, येलो एंड रेड का। सब ग्रीन सबसे ऊपर था जिस पर आठ व्हाइट लोटस एक लाइन में बने थे। एक बीच में येलो स्ट्रिप पर डार्क ब्लू कलर से वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा था और नीचे लाल स्ट्रिप पर बाएं साइड में एक सफेद सन और राइट में क्रिसेंट मून और स्टार्स बने थे। बाद में दूसरा झंडा आया 1921 में गांधी जी के गाइडलाइंस में ऑल इंडिया कांग्रेस के मीटिंग में, कहाँ पे, विजयवाड़ा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया। वो दो कलर का, रेड और ग्रीन कलर का, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए झंडा बनाया। तो गांधी जी ने इसमें ऊपर एक व्हाइट स्ट्रिप और जोड़ दिए, वो जो इंडिया में बाकी कम्युनिटी है उनके लिए, और बीच में ब्लू चरखा सेंटर में रख दिया जो सिंबल था किसका, सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस का। ठीक है, तो उसके बाद 22 जुलाई 1947 में कुछ करेक्शन के साथ नया झंडा फहराया गया जिसमें सेफ्रॉन स्ट्रिप सबसे ऊपर
व्हाइट कलर बीच में और ग्रीन सबसे नीचे रखा गया। झंडे का रेशियो 3:2 हुआ और व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर धर्म चक्र को नेवी ब्लू से बनाया गया, जिसमें सेफ्रॉन कलर करेज एंड सेक्रीफाइस का सिंबल है, व्हाइट ट्रूथ एंड पीस, ग्रीन फेथ एंड चैवलरी और चरखा प्रोग्रेस का 24 स्पोक्स 24 घंटे, और ब्लू कलर यूनिटी का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट है, जिसमें सबसे पहले राजा रवि वर्मा आते हैं, जो अपने मैथोलॉजिकल थीम पर ऑयल कलर में वेस्टर्न स्टाइल में रियलिस्टिक पेंटिंग बनाए। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडिजीनियस स्टाइल और बंगाल स्कूल को डेवलप किया। उसके बाद अमृता शेरगिल, जो इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स कर पेंटिंग बनाई। फेमस पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर 67 साल की उम्र में पेंटिंग बनाना शुरू किए ब्लॉक इंप्रेशनिस्ट स्टाइल में। गगनेन्द्रनाथ क्यूबिस्टिक स्टाइल में पेंटिंग बनाया। जामिनी रॉय फोक आर्ट को मॉडर्न स्टाइल में बनाए। राम किंकर स्कल्पचर और पेंटिंग को एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल में बनाए। डीपी राय चौधरी ब्रॉन्ज कास्टिंग किए और फिगर को अवस्टेक्ट रूप दिए। सोमनाथ होर, अनुपम सूद ये ग्राफिक प्रिंट में मॉडर्न आर्ट में एक वेराइटी लाए। उसके बाद कुछ आर्टिस्टों का ग्रुप बना, जिसमें है जिसे मॉडर्न आर्ट और आगे बढ़ा। इसमें सबसे पहला आता है कलकत्ता ग्रुप, जो 1943 में बना, जो बंगाल फेमाइन के अगेंस्ट में था। दूसरा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो बॉम्बे में 1947 बना, जिसमें उस समय के लगभग सभी आर्टिस्ट शामिल थे। उसके बाद है दिल्ली शिल्पी चक्रा, जो 1949 में बना, जो पाकिस्तान से माइग्रेट विस्थापित हुए कलाकारों के लिए नया जीवन दिया। 1957 में बड़ौदा ग्रुप बना एनएस बेंद्रे के द्वारा, ठीक है। फिर केसीएस पन्निकार ने चोल मंडल आर्टिस्ट कम्युनिटी 1966 में स्पेशली साउथ इंडियन आर्टिस्ट के लिए बनाया। इस तरह से सभी आंदोलन ग्रुप आदि मिलकर के इंडियन आर्ट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। ओके, अब आप आगे सभी पेंटिंग के बारे में स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं लास्ट में 2 स्लाइड में पेंटिंग और आर्टिस्ट का लिस्ट भी डाल दिया हूँ, जिससे आप पूरी पेंटिंग, उसके आर्टिस्ट और उससे संबंधित सभी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।